स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने फिर से स्वागत है। किस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा था। अब हम लोग आगे आते हैं उसी की कड़ी में जोड़ते हुए। अगर आपको रिवीजन चाहिए हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बताएं मुझे। हम बता रहे थे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट, उसी में आगे चल के जुड़ता है एक टर्म जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट हल्का सा माइनूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको इस चैप्टर को क्लियर करते हुए बताऊंगा, लेकिन इससे करने से पहले कुछ चीजें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ाई थी वो जाननी बहुत जरूरी है, इसलिए अब पढ़ेंगे उसे। देखेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है यानी कि आर, ये दो तीन चीजों दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहला, ये वायर की यानी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, चाहे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो चाहे कोई सा भी हो, बस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों में डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि अगर एक चोट खाएगा तो दूसरा भी चोट खा के गिरेगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है कि अगर एक को चोट लगेगी तो दूसरे को ताकत मिलेगी, यानी अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज होगा। ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब। मैंने आपको एक फिगर के थ्रू भी समझाया था कि अगर आपके पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और लेंथ एल है, ठीक है, मान लीजिए लेंथ 6 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसी तरह से एक दूसरा वायर बताया था इसकी लेंथ मान रही है 4 सेंटीमीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो मैंने आपको ये कहा था कि अब आप इसको अगर जज करना चाहें कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आप देखकर बता सकते हैं। देखिए, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ अगर इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, इसकी लेंथ ज्यादा है इसलिए, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा। ठीक, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम, इन दोनों में किसका एरिया बड़ा है इसका, तो रेजिस्टेंस कम किसका होगा, भाई एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस लो, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम, इन दोनों में किसकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस लो, राइट। आई होप आप लोग ये बात बहुत अच्छे समझ गए हैं। अब इससे जुड़ी हुई जो टर्म आती है रेजिस्टिविटी, इसको देखने का टाइम है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को आज ये बात रिवाइज कराई कि जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो पढ़ाया था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइंस हैं और इनको हम इक्वल के साइंस से रिप्लेस भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहूंगा, भाई बेटा ये वन है ऊपर, ठीक है, मैंने ये वन अपॉन ए लिखा है, क्यों, क्योंकि इनवर्स यानी रेसिप्रोकल हम लिखते हैं। मैं आपसे कहूँ 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा तो आप 1/5 लिखोगे ना, वही है। तो आर का इनवर्स की प्रपोर्शनल इनवर्स, ए का इनवर्स कितना होगा 1/a, वही लिखा ही है उसने, और 1 की अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा। इस तरह से अब पहले मैं इनको मिला के इतना दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए, अगर रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो मैं इसे एक संग लिख सकता हूँ, आर मल्टीप्लाई 1/a, और जब एल की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या होगा, एल बन जा एल अपॉन ए,
तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है कंबाइन करके, ये दो स्टेटमेंट अलग अलग थे जिनको मैंने एक में लिख दिया कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते थे। अगर इनको कंबाइन करके देखें तो कैसे दिखाई देगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब सुनिएगा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हमारे पास आता है तो हम उसे इक्वल में लिखने की कोशिश करते हैं और हम यह लिख भी सकते हैं, लेकिन इसके बदले हमें एक कीमत देनी पड़ती है। वो कीमत क्या होती है, हमें एक कॉन्स्टेंट अप्लाई करना होता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करना होता है, ये कॉन्स्टेंट ही कहलाता है रेजिस्टिविटी। अब आप कहेंगे हमने क्या बना दिया, बनाया तो बहुत अजीब वेरिएबल है, लेकिन आप लोगों को समझाना जरूरी है तो आप समझेंगे इस अच्छे से। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी बहुत अच्छे से क्लियरली बना हुआ है ये। इसे हम बेटा कहते हैं रो। ये एक फिर से एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट है, और इस तरह से बनाया जाता है। सिंपली नाइन की तरह बना लीजिए, हल्का सा घुमाइए और सीधा देखिए, लास्ट में ऐसे क्रॉस कर दीजिए, एक सीधी लाइन खींचिए, हल्का सा क्रॉस कर दिए, ऐसे रो बन गया। ओके, एक सीधी लाइन, हल्का सा शार्पनेस एंड दिस विल बी द रो। नाउ इसे अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। और ये आपका कॉन्स्टेंट ग्रीक अल्फाबेट है, रेजिस्टेंस है इक्वल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मल्टीप्लाई में जो है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स, हमेशा फिक्स। और ये रेजिस्टिविटी है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो टॉपिक मैंने लिखा है रेजिस्टिविटी यही है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी। अब आप कहेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, है क्या, केवल कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया है रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, और ये अपने आप में एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया आपके रेजिस्टेंस का। अगर आपसे कहूं मैं आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके रो की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप इसका रेजिस्टेंस बताइए, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। एल की जगह पे एल की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, और रो की जगह पे वो क्वेश्चन में गिवन होगी क्योंकि कांस्टेंट है। आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे उसका, ये अपने आप में फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुनिए, फिलहाल इसको हम अप्लाई बाद में करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, बट फिलहाल आप ध्यान देखिएगा कि ये रेजिस्टिविटी है क्या। देखिए, अगर आप लोगों ने बहुत सारी बातें मतलब एग्जांपल्स देखे होंगे, करे होंगे, एक होता है फोर्स, फोर्स आपको पता है क्या है, एनर्जी। आप जब भी किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो आप कहते हो मैंने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन फोर्स का एग्जिस्ट करना यानी फोर्स होना अलग बात, लेकिन जी तो एक तो फोर्स होता है जो फोर्स अपने आप में एक फिनोमिना है, अपने का फोर्स है, और एक होता है फोर्स अप्लाई कर, ठीक है। फोर्स अपने आप में फोर्स है ठीक, लेकिन फोर्स अप्लाई करना क्या है, फोर्स अप्लाई करना एक वर्ब है, एक एक्शन है, ठीक है। उसी तरह से कि जो रेजिस्टेंस है ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको अप्लाई करना या इसका एक्शन होना ये है रेजिस्टिविटी, और इस रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं हम इस कॉन्स्टेंट के थ्रू कि किस अकॉर्डिंग अप्लाई होगी, ठीक है। इसका और कोई मतलब नहीं है, ये केवल और केवल कॉन्स्टेंट है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर ये फिनोमिना है तो इस फिनोमिना का एक्शन है कि किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है या किस कंडीशंस, किस वैल्यू के संग ये अप्लाई हो रहा है, और कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है।
इसका आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा डेफिनेशन वाइज, बस इसका एक छोटा सा रूल है कि ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में यूज होता है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो हमेशा आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी, और निकालने के लिए तब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। भाई 1 2 3 4 4 फैक्टर्स हैं इसमें, 4 में से कोई भी 3 क्वांटिटी गिवन होगी और एक पूछी होगी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे एरिया हो, चाहे रेजिस्टिविटी, राइट। आई होप आप आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे समझ गए होंगे किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना वर्क करता है, और किस तरह से हम ये फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं, और इस साइन का मतलब जो है ये रो होता है, पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएट करते हैं रो, और इसको डेफिनेशन वाइज क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, अगर रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है तो उस फिनोमिना की जो हैपनिंग यानी अपने की जो कंडीशन है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।